वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabird.com। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे का वैकेंसी आ गया है और ये काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में आया है। आपके टोटल वैकेंसी जो है वो है आपके 26,502। तो बहुत दिन से जो आप वेट कर रहे थे और अपना आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे रेलवे के एग्जाम के लिए, तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है और ऐसे मौक़ों को आप हाथ से जाने ना दें। तो एक बार आप ज़रूर इस नोटिफिकेशन को, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें indiabird.com यूट्यूब चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस बिल्कुल फ्री। आगे चलने से पहले जिन्होंने अभी तक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पेज को लाइक नहीं किए तो पेज को लाइक कर लें और फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल बटन दबा दें, यहाँ से आपके नोटिफिकेशन जाते रहेंगे जो भी वीडियो अपडेट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि जो रेलवे ने जो रिक्रूटमेंट जो जारी किए हैं उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अगर डेट्स की बात करते हैं तो जो एप्लीकेशन जो बिगिन होने का जो टाइम है वो आपके है 3/2, यानी कि आपके जो हो रहे हैं ये 3 फेब से हो रहे हैं, ठीक है। 3 फेब 2017 नहीं, यहाँ पे 18 होगा, ठीक है, यहाँ पे ये सब 18 है। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन जो है वो आपके 5/3 यानी कि 5 मार्च 2018 तक चलेंगे। और अगर इसकी बात करते हैं लास्ट डेट फॉर पे एग्जाम फी, तो एग्जाम फी आप पे कर सकते हैं 5, यानी कि वो भी आपका जो लास्ट डेट है उसी दिन तक कर सकते हैं आप, यानी कि 5 मार्च तक। और जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा, ये जो होगा आपका एग्जाम दो स्टेज में होगा, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। तो जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है वो आपको अप्रैल और मई में होगा, अभी तक टेंटेटिव डेट यही है। और सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो ये आपको कुछ दिनों बाद नोटिफाई कर दिया जाएगा कि ये कब होने वाला है। फी डिटेल्स की बात करते हैं तो देखते हैं एग्जाम फी कितना कितना इस बार लिया जा रहा है। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपके हैं 500 रुपीज, ठीक है। और एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करते हैं, पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स का, तो उनके बहुत ही कम है, यानी कि ₹250, ठीक है। पे द एग्जाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, आप एग्जाम फी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्ड नेट बैंकिंग, ठीक है, और ई चालान के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आप इसके थ्रू आप अपने फी को भर सकते हैं। और आपके एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए कि दिस फी जिनके 250 लगेंगे शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज। बैंक चार्ज आपके हटा के इसके जो जो भी अप्लीकेबल बैंक चार्जेज होते हैं उसके छाटने के बाद आपको जो फर्स्ट स्टेज के एग्जाम के बाद आपके ये 250 रिटर्न कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं वैकेंसी डिटेल, कितनी कितनी वैकेंसी आई है। तो ये जोन वाइज वैकेंसी है, इसको मैंने टोटल में करके दिखा दिया है कि कितना वैकेंसी है। तो आप सबसे पहले पोस्ट नेम से देखते हैं, तो ये आपका है असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी, यानी कि अगर बात करते हैं तो ALP अगर जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा तो समझ लेना आप लोग कि ये असिस्टेंट लोको पायलट की बात किया जा रहा है। और दूसरा जो पोस्ट आया है वो है आपका वेरियस स्टेट टेक्नीशियन के लिए जो आया है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब मैं डिस्कस करूँगा, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो सबसे पहले जनरल की अगर बात करते हैं तो जनरल के जो वैकेंसी आए हैं वो आपके आए हैं, यहाँ देख लें आप, 9,230। और OBC की बात करें तो 4,363। SC की अगर बात करते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट के जो वैकेंसी आए हैं वो आपके आए हैं 2,694। ST की बात करते हैं तो 1,383। और जो टोटल इसके बात करते हैं तो आपके 17,000 आपके वैकेंसी हो जाते हैं। ऐसे ही इसी तरह से अगर टेक्नीशियन की बात करते हैं तो सबसे पहले 4,563 जो वैकेंसी है वो आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और OBC की बात करते हैं तो OBC आपका है 2,126 वैकेंसी। SC के लिए अगर बात करें तो 1,363 वैकेंसी, ST का 738 वैकेंसी, तो टोटल हो जाता है आपका 2,829 वैकेंसी, ठीक है। टोटल आपके टेक्नीशियन के लिए ये हैं और टोटल अगर बात करते हैं लोको पायलट के लिए ये हैं। और एज कैलकुलेट कैसे होगा उसको भी बारे में बता देता हूँ, आप किस एज में अगर बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो आपके अगर एज 18 से 28 है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और जो ये एज कैलकुलेट होगा वो आपके 1/1 यानी कि 1 जनवरी 2018 तक होगा, ठीक है। तो आप एज कैलकुलेटर से अपना एज कैलकुलेट करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे वैकेंसी जोन वाइज यानी कि RRB वाइज डिस्क्लोज किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अलाहाबाद जोन का ही देख लेते हैं। तो इसमें जो दो है, एक नॉर्थ सेंट्रल जोन है और एक नॉर्दर्न रेलवे जो करके है, तो उसमें आपके जो है ये जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं 1,447 और जो इसके लिए जो वैकेंसी है वो आपके हैं 555, ठीक है। तो ये देखते चलें। और इसी तरह से ST के लिए भी है और OBC के लिए है, हर एक में आप देख सकते हैं। BB बिलासपुर के बारे में देख सकते हैं,
सब यहाँ चंडीगढ़ के बारे में देख सकते हैं, सबके वैकेंसी आए हैं कुछ ना कुछ, तो ये जोन वाइज आप भर भी सकते हैं, देख सकते हैं बाद में। और पूरा नोटिफिकेशन के लिए मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं एग्जाम का, तो जो सीबीटी यानी कि कॉमन फोर जो हो गया आपके एलपी और टेक्नीशियन के लिए, ये जो फर्स्ट स्टेज के जो एग्जाम होंगे वो दोनों के लिए कॉमन है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी कॉमन फोर लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। तो इसका मैं बताता हूँ आपको जो ड्यूरेशन है, इसका जो टाइम का ड्यूरेशन जो दिया गया है ये आपके 60 मिनट है, ठीक है। तो 60 मिनट आपको एग्जाम का टाइमिंग दिया गया है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो आपके 75 होंगे। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सिलेबस के बारे में मैं अगले वीडियो में बता के आपको बता दूंगा कि क्या क्या पूछ सकता है, किसमें फर्स्ट स्टेज में क्या पढ़ना है आपको, सेकंड स्टेज में क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम परसेंटेज फॉर मार्क्स, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी फर्स्ट स्टेज के एग्जाम के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी वाइज, यूआर जो कैंडिडेट्स हैं उनको 40% लाने हैं, ठीक है। ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपके 30% रखे गए हैं क्राइटेरिया, एससी कैंडिडेट्स के लिए 30% और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 25%, यहाँ 35 होगा शायद, यहाँ पे 35% देख लेना आप लोग, चेक कर लेना। दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में भी रिलैक्स बाई 2%, ठीक है। 2% आप पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कम किया जा सकता है, ठीक है, इनकेस ऑफ शॉर्टिंग ऑफ पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर देम। द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, जहां तक क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो 75 नंबर के आपके जो होने वाले हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल च्वाइस होंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, तो सेकेंड स्टेज में भी जो सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है भी, तो टोटल ड्यूरेशन जो इसकी होगी 2 आवर्स होगी। देख रहे हैं यहाँ पे जो सेकेंड टेस्ट हो गया आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, तो इसका जो टाइम है आपके 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, और इसमें भी पार्ट ए एंड पार्ट बी टुगेदर, ठीक है, पार्ट वन भी होगा पार्ट बी भी होगा, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट ए में क्या होगा पार्ट बी में क्या होगा। द सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल हैव 2 पार्ट्स, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए के सबसे पहले देखते हैं हम लोग पार्ट ए में क्या क्या आपको करना है। तो पार्ट ए की जहां तक बात करते हैं तो इसके जो आपको टाइमिंग दिए जाएंगे वो 90 मिनट्स दिए जाएंगे, समझ गए, इसके जो टाइमिंग होगी आपके 90 मिनट होंगे। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 100 होंगे, ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो होगी एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी के लिए, तो अगर उसकी बात करते हैं तो वो भी पहले के जैसा ही होगा, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 40% आपको लाना है, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो 30%, एससी कैंडिडेट्स हैं 30%, एसटी कैंडिडेट्स हैं 25% आपके इनके एग्जाम में आने चाहिए, यानी कि आप अगर अगर टोटल मान लो कि 100 नंबर का है तो उसके हिसाब से आपको 40% होने चाहिए इसमें, तब आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो उनका 2% का रिलैक्सेशन मिल सकता है। चलते हैं आगे देखते हैं, पार्ट बी की बात करते हैं, तो पार्ट दो में सबसे पहले देखेंगे ड्यूरेशन किस कितनी है, तो इसका जो टाइमिंग जो है ये आपको मात्र 60 मिनट दिया गया है, उसका जब आपका 90 मिनट था पार्ट ए का, तो उसमें क्या पूछा गया था आपके 90 मिनट्स में, वो आपके 1.5 घंटे के जो पेपर थे उसमें अभी आपके 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें आपके 60 मिनट दिए गए हैं और जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 75 क्वेश्चन होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगी 30% होगी, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लें, उन जैसा नहीं है इसमें। दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिसिबल, इसका मतलब ये है कि ये जो है 35% हर एक को आना चाहिए इसमें, जो कि सेकेंड पार्ट होगा सीबीटी टेस्ट, उसमें पार्ट जो बी होगा तो उसमें 35% आपके आने चाहिए। अगर इसकी और बारे में डिटेल में बात करते हैं तो दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ये आपके क्वालिफाइंग होने चाहिए, यानी कि 35 आप आ जाएगा आपको 35 से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देयर नो क्वेश्चन फॉर द ट्रेड सिलेबस, ठीक है, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट, ये सब आप देख लेंगे आपके नोटिस में, मैं लिंक दे दूंगा वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप बात करता हूँ यहाँ पे कौन कौन लोग, वो लोग जो ट्रेड्स वाले हैं वो कौन कौन से भर सकते हैं फॉर्म को। तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात करते हैं डिप्लोमा डिग्री का, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कोई भी रिलेटेड आपके डिप्लोमा या डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए से। और उनके जो ट्रेड होंगे जो कि पार्ट बी के लिए जो होंगे यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, वो इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स या विंडर एयर मैच के लिए होगा, ठीक है। अब दूसरा का बात करते हैं तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ
वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंजीनियरिंग के जो हैं डिप्लोमा के हैं और कोई भी उससे स्ट्रीम से रिलेटेड हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उनका जो होगा पार्ट बी में, तो वो इनका मैकेनिक्स रेडियो एंड टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए होगा। तो थर्ड की बात करते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसी तरह से आप ये चेक कर लेंगे। ऑटोमोबाइल जो किए हुए हैं इंजीनियरिंग और जो डिग्री जो किए हुए हैं डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है। और HSC यानी कि 10+2 विथ फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दें कि ये फिजिक्स और मैथ और कोई ट्रेड वाले, बायो वाले, इकोनॉमिक्स वाले फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है इसके लिए, तो मैं वो पढ़ के आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो आप देख लें ध्यान से कि क्या आपको फॉलो करने हैं। वन एप्लीकेशन होगा, ठीक है, केवल आप एक एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वन एप्लीकेशन ओनली इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट, समझे। इन दिस सेंट्रल एडवर्टीजमेंट एनी अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट द सेंट्रल एडवर्टीजमेंट शैल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिबरमेंट। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे फॉर्म को, और आप फ्यूचर में कभी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, ये इसके माध्यम से कहा गया है। जो स्टेजेज ऑफ एग्जाम की बात करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया है, देयर शैल बी टू स्टेजेज एग्जाम। फर्स्ट स्टेज CBT, ठीक है, एंड सेकेंड स्टेज भी CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गए आपके। कॉमन फोर दोनों के लिए कॉमन होंगे, जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट हैं और जो टेक्नीशियन है, वो दोनों के लिए ये पेपर कॉमन होंगे। इन एडिशन कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट लोको पायलट एंड क्वालिफाइड इन सेकेंड स्टेज CBT हैव टू अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो ALP असिस्टेंट लोको पायलट हैं, वो अगर दोनों स्टेज को क्वालिफाइड कर रखते हैं, तो उनको एक AT देना पड़ेगा, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक और सबसे अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए कि मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज इन ऑल द स्टेजेज ऑफ एग्जाम। ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि नॉर्मलाइज किया जाएगा मार्क्स को। अगर मान लो किसी पेपर में टफ आते हैं, किसी में ईजी आ जाए, तो उनके नॉर्मलाइज करके हर एक स्टेज के एग्जाम के नॉर्मलाइज किए जाएंगे। तो एक और है जो कि आप लोग के SC ST कैंडिडेट्स वालों से है, तो फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC ST कैंडिडेट्स विल बी पार्ट ऑफ ई कॉल लेटर, ठीक है। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, कॉल लेटर पे आपको हो जाएगा मेंशन। फॉर वेरियस स्टेज ऑफ सिलेक्शन, आपको जो CBT टेस्ट के लिए भी जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाते हैं, या आप अपने विजिबिलिटी यानी कि आंख वाँख से चेकिंग जो होती है मेडिकल के लिए, उसके लिए भी जाते हैं, तो आपको स्लीपर क्लास का फ्री पासेस मुहैया कराई जाएगी। डिटेल में ये दिखा हुआ है आपके पास, उसके लिए केवल आपके वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एक होना चाहिए जो कि आप अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और मैं सिलेबस का है वो कल वीडियो में अपलोड करूंगा, जो भी सिलेबस इसमें आने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे, इंस्टाग्राम पे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।